तो यहाँ से चलते हैं अब हम द्वार बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, और देखते हैं यहाँ से सस्ते में सस्ते कैसा पहुँचा जाए। दोस्तों द्वारका मंदिर के पास में जो है ना एक ट्रेवल वाले भैया हैं, तो उनके यहाँ से अगर आप जाओ तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, हर चीज़ का बुक वगैरह कर लेगा, क्योंकि वो क्या ना ट्रेवल्स में सब कुछ जो है ना अपने ट्रेवल में डील करते हैं। बाइक बाइक भी अगर आपको रेंट लेनी है तो उसी हिसाब से ही पड़ेगा। जय द्वारका दीश। जय द्वारका दीश। मणि मंदिर नागेश्वर गोपीका बेट द्वारका सब घूमने के लिए अपने पास बाइक है, रेंट पे बस है, टैक्सी है, और ये ट्रेवल्स है मंदिर के सामने ही है 100 मीटर पे। हाँ आप देख सकते हैं वो मंदिर का फ्लैग दिख रहा है, मंदिर से 20-30 मीटर भी नहीं है, ये तो सामने ही है बिल्कुल मंदिर के फ्रंट पे। भैया का कॉन्टेक्ट नंबर ये सब लिखा हुआ है 4146-91। सो गाइस अगर आप कोई भी ट्रेवल में बुकिंग करनी है तो भैया सिद्धि बनाया। अब यहाँ से जल्दी जल्दी फटाफट ब्रेकफास्ट करके गुजराती ब्रेकफास्ट, और उसके बाद चलते हैं नागेश्वर और बेट द्वारका। वही सब मिलेगा आपको, ढोकला पोहा समोसा चाय। इस रेस्टोरेंट में रात हमने खाना भी खाया, बहुत टेस्टी खाना भाई, किसी को भी गुजराती थाली वाली खानी हो यहीं आके खा लेना। खा लें तब बात करते। ये भैया की दुकान से हमने एक बाइक रेंट कर ली है, यहाँ किसी भी आप शॉप से वैसे रेंट कर सकते हैं बाइक, 500 रुपये चार्ज है। और स्कूटी लेने से पहले एक बार पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो वगैरह हर चीज़ अच्छे से बना लें, ताकि कोई बाद में कोई इशू ना हो चार्ज बात का। और अभी किलोमीटर भी 987 चले हुए पूरा क्या। तो गाइस यहाँ से अब हम चल दिए हैं, और फिलहाल जिनंदी महाराज बैठे हैं, ये देखो आज के इस पूरे टूर में जो है ना आपको स्कूटी से द्वारका में पूरी 17-18 चीज है वो हम कवर करने वाले, प्लीज पूरे ब्लॉग में बने रहिए। द्वारका मंदिर से अभी हम चल रहे हैं यहाँ से राइट, पेट्रोल पंप की तरफ। नागेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और आज यहाँ के दर्शन हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी अंदर चल के दर्शन वगैरह करेंगे, और यहाँ ये आसपास का ये मंदिर की मेन गेट की एंट्री है। सो गाइस ये है हमारे बाबा नागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और यहाँ की यात्रा आज हमारी पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद फिर बेट द्वारका। सबसे पहले यार बहुत तमन्ना थी मेरी नागेश्वर धाम आने की और गुजरात का टूर करने की, जो फाइनली आज मेरी पूरी हो रही है। कहाँ खड़ी करें, अंदर तो वो फोन ले जा सकते हैं, पता नहीं पूछना पड़ेगा भाई। हाँ अलाउड है। मंदिर के अंदर आ गए हैं और हम एंट्री करने वाले हैं। ये रहे हमारे नागेश्वर धाम बाबा जी, और ये देखो भगवान शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा। भीड़ भाड़ नहीं है मंदिर के अंदर, जितने भी यात्रीगण हैं ना वो सब ये बता रहे थे कि आपके 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, तुरंत आ जाओगे आप, एकदम बढ़िया है। बाकी अभी शायद कैमरा अंदर अलाउ नहीं होगा तो मैं बंद करके रख देता हूँ अभी। ईश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य है, और भाई सब यहाँ जो है ना चांदी के नागनागिन के जोड़े चढ़ाने का महत्व है ये सब लिखा हुआ है। मोबाइल कैमरा वैमरा सब चीज़ बंद है वैसे, लेकिन लोग बाग बना भी रहे हैं काफ़ी वीडियो वगैरह सब। मंदिर के जस्ट बैक साइड में ही ये सब तालाब है, और ये तो मछलियाँ छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं इसके अंदर बहुत सारी। शांति बहुत है यार यहाँ, शांति, और मंदिर के भी अंदर ज़्यादा क्राउडबाजी और मतलब ज़्यादा घिचपिच जो होती है वो नहीं है। गौमुख गंगा दर्शन यहाँ के भी दर्शन कर लेंगे, और मंदिर के अंदर जो है कैमरे वैमरे के लिए वो तो लगे हुए थे फोटो वोटो कि खींचना वींचना अलाउ नहीं है, लेकिन सबके सब जो है ना अपने मोबाइल कैमरे उन्हें सब चालू कर रखे थे सबने। सो गाइस अभी यहाँ के दर्शन हो गए हमारे पूरे, अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है गोपी तालाब, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, और गोपी तालाब फिर फटाफट पहुँच के उसके बाद निकलेंगे हम बेट द्वारका। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। चलो भाई
ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं गोपी तालाब। और यहाँ से यहाँ पे एंट्री है अर्जुन कुंड गोपी तालाब मुख्य द्वार। ये भाई साहब गोपी तालाब, जिसमें 16,000 जो भगवान श्री कृष्ण की रानियाँ थी उनको मुक्ति मिली तालाब में। नहा मछली है, छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी हैं, तैर रही है मछली। इसकी खासियत है इसका जो मेन वो है ना, वो होता है एंट्री। नहाते भी है इसमें भाई साहब, कितनी शांति है यहाँ पर। मोर भी बोल रहे हैं, उधर देखो कोयल कितनी सारी बैठी है। ये कोयल है या वो है जो जल मुर्गी जो रहती है, वो क्या बोलते हैं मैं, पाँच हजार साल पुराना मंदिर गोपीनाथ। गुजरात के अंदर अभी तक जो हमने देखे है ना, इस तरह 5,000 साल पुराना मंदिर है जो आप जगह देख रहे हैं। इस मंदिर के अंदर जो गोपियों ने 5,000 साल पहले भगवान शिव की पूजा की थी, उस वो शिवलिंग है। इतनी पुरानी पुरानी जगह है ये, गोपीनाथ जी का मंदिर। ये है गोपी तालाब कुंड। जैसे रामेश्वरम में थे ना वो पानी में तैरने वाले पत्थर, यहाँ भी है भाई, ये बहुत भारी है। राम भाई साहब, ये था हमारा गोपी तालाब। यहाँ जो जितने भी मंदिर है ना, सब मंदिरों के बाहर 5,000 साल पुराना, 5,000 साल पुराना लिखा हुआ था। और मंदिर है भी इतने पुराने क्योंकि जो बिल्कुल यार नेचर ब्यूटी यहाँ है ना, मतलब बहुत बढ़िया फील हो रहा था। जैसे बिल्कुल गांव का तालाब वाला कल्चर होता है, वो मुझे देखने के लिए अभी अंदर मिला। अभी मंदिर तो बंद है, बेट द्वारका का 4:30 बजे ओपन होगा। उससे पहले हम यहाँ आसपास के जो मोर बीज मंदिर है, सोने की द्वारका है, हनुमान जी के मंदिर है, आसपास में जितने भी टेम्पल होंगे हम 4:30 बजे तक सारा घूम लेंगे। बेट द्वारका में ये दूसरा पॉइंट है, श्री सोने की द्वारका पावन धाम। इसके भी अंदर से दर्शन करेंगे सोने की द्वारका पावन धाम। सोने की द्वारका मंदिर घूमने में आपकी प्रवेश एंट्री जो है 40 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगती है। लाल ये पूरा जो है ना आर्टिफिशियल सब बनाया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ये वासुदेव देव माता देव की जेल वेल में से, मतलब जिस टाइम भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेके वासुदेव जी का से, हाँ कृष्ण लीला का पूरा वर्णन कर रखा है, गाय चराते हुए, ये दही हांडी मटकी।
आप ये जितनी भी यहाँ साड़ी वगैरह देख रहे हैं ये सब गुजरात का ही प्रोडक्शन है। हिंदुस्तान में जितना भी समुद्र का एरिया है हमें जगह जगह जो है नारियल के पेड़ वगैरह बहुत मिलते हैं, लेकिन मुझे अभी तक गुजरात में जितना भी मैंने समुद्र देखा है वहाँ मुझे कहीं नारियल के पेड़ नहीं मिले। सारा ये जो आपको जितना दिख रहा है झाड़ झुंड सब टोटल ऐसी एरिया है अभी तक। बाकी ये हनुमान डांडी मंदिर है, ये भी द्वारकाधीश के जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनमें से एक है। ये सब जो है ना यहाँ अभी 4-5 दिन पहले बारिश से पूरा रेड अलर्ट था तो इस वजह से पानी भरा पड़ा है। ये मंदिर है और यहाँ जो है ना मकर ध्वज और हनुमान जी दोनों पिता पुत्र एक ही मंदिर में है। तो ये पूरे विश्व का एक पहला ही मंदिर ऐसा है हनुमान जी का जहाँ हनुमान जी का जो बेटे हैं मकर ध्वज उनकी भी प्रतिमा यहाँ है। ये पूरी हनुमान चालीसा का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो भाइयों ये इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री है, आप थोड़ा जूम करके पढ़ लेना और इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है जैसे हनुमान जी का जो बेटा है मकर ध्वज उसका जन्म कैसे हुआ ठीक, और उनका पिता पुत्र का मिलन कैसे हुआ। हनुमान जी लंका दहन करके आ रहे थे तो उनकी पूछ में जो आग जल रही थी उसके बाद में उनके शरीर से जो पसीना निकला था उस पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ था उसके मुँह में चली गई। उसका मतलब फीमेल मगरमच्छ था वो मकरी नाम का मगरमच्छ था, उसी के नाम पर ही मकर ध्वज पड़ा। और इस मंदिर में बहुत सारी कहानियाँ आया और भी अलग अलग। आप जो छोटे वाले जो आपको प्रतिमा देख रही है ना ये हनुमान जी हैं और बड़े वाली है मकर ध्वज की। पूरे विश्व में हनुमान जी सिर्फ एक ही हैं जो मानव रूप में विराजमान है और उसके बाद में कलयुग बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से ये जो मूर्ति है नीचे धसती जा रही है। जिस दिन ये मूर्ति पूरी नीचे धस जाएगी जमीन में पाताल लोक में उस दिन कलयुग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी के हाथों में गदे की जगह कुछ दूसरा वो है शस्त्र, लेकिन यहाँ गदा नहीं है। ये राम सेतु का पत्थर है भाइयों। ये हमारा नेक्स्ट प्लेस है 84 धुना। अभी इसके अंदर चलते हैं और 84 कुंड बने हुए हैं इसके अंदर, दिखाते हैं सब चीज़। फिर यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह भी जानेंगे क्या क्या है। यहाँ 84 धुने बने हुए हैं और यहाँ अलग अलग साधु संतों ने अपने टाइम में जब तक किया हुआ था बहुत टाइम, तो इसलिए ये 84 धुने हर किसी के धुने अलग अलग बने हुए हैं। कुआ तो चालू है भाई साहब। यार कुएं में से मैंने आज तक कभी पानी नहीं निकाला है, देखे हुए तो बहुत है। और मंदिर के दर्शन कर लो ठीक है बच्चा। तो गाइस ये है भेड़ द्वारका का मंदिर, अभी इसके अभी अंदर चल के दर्शन करेंगे। लेकिन मंदिर के अंदर जो है ना कोई कैमरा गैजेट्स वगैरह अलाउ नहीं होगा तो इसलिए ये सब बाहर हमें लॉकर में ही जमा करने होंगे सारे के साथ। बाकी मंदिर की क्या हिस्ट्री है अभी आपको थोड़ी बहुत देर बाद में पता पड़ जाएगा, लाइन लगी हुई है मंदिर के लिए। सो दोस्तों फाइनली भेड़ द्वारका के हमारे दर्शन कम्प्लीट हो चुके हैं और मंदिर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो अलाउ था नहीं, इसलिए अंदर की जो स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण का, एक तो ये घर है और यहाँ जब सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण का भेंट हुआ था उस दौरान में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को जो ना 3 मुट्ठी चावल दिए थे, तो वहीं पे इसी जगह दिए थे। और जो असली वाली द्वारका है वो तो समुद्र के अंदर पहुँचा दी भगवान श्री कृष्ण ने, बाकी ये बस एक मंदिर बना हुआ था इसी मंदिर में ही। और जो यहाँ पे जो मूर्ति है ना भगवान श्री कृष्ण की, तो वो मूर्ति जो भगवान श्री कृष्ण की 8वीं रानी थी उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति है। बाकी अभी एक या दो प्लेस और हमारे बचे हुए हैं उसको और अभी हम कवर करेंगे और यहाँ से चलते हैं फटाफट। एक तो शाम का टाइम है और अभी हम बड़केश्वर महादेव जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी जो शिवलिंग आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो में तो ये। लेकिन जो समुद्र का शाम के टाइम का नज़ारा है ना, और ये भी सनसेट पॉइंट है, यहाँ भी आके शाम को अभी घूमेंगे और बाइक चला के ये हाल पड़ा। ये रहा बड़केश्वर महादेव मंदिर, अभी अंदर चलेंगे मंदिर में भी दर्शन करके आएंगे। और फिलहाल जो आप ये समुद्र का नज़ारा देखो भाई साहब, लगे यहाँ नाना वाना सब मना है लेकिन लहरें बहुत ऊंची हैं, क्या नज़ारे हैं। समुद्र कल पूरे मैंने 1 साल बाद देखा था। ये है हमारे बड़केश्वर महादेव। यहाँ से अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, शायद ये लास्ट पॉइंट होगा क्योंकि उसके बाद में हमारी यहाँ से रात के 9 बजे के आसपास की ट्रेन है, उसको पकड़ कर फिर फटाफट यहाँ से चलेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक जो आएगा वो आपका सोमनाथ मंदिर होगा। ये आज की हमारे टूर की बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन है सनसेट पॉइंट, इसके बाद में आपसे भी नज़ारा क्या है बस वो उधर बड़केश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ सनसेट पॉइंट देखने का तो बिल्कुल सही है।